नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 जनवरी सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं अभी तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन की प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मक्सी रोड स्थित डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल रेखा पिल्लई का सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया। वह इंदौर स्थित अपने घर से स्कूल आ रही थी और कोहरे के कारण उनकी कार असंतुलित होकर धतरावदा के पास एक पेड़ से टकरा गई। उन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल लाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 60 साल की रेखापति शशिधर पिल्लई इंदौर के निपानिया में शिव वाटिका में रहती थी। स्कूल अटेंड करने के बाद हर शाम वह परिवार के पास इंदौर चली जाती थी और हर सुबह उज्जैन लौटती थी। सोमवार की सुबह करीब 8 से 8:30 के बीच देवास रोड से आते समय उनकी कार धतरावदा के पास पेड़ से टकरा गई। रेखा पिल्लई को घायल अवस्था में निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पीएम के लिए शव जिला अस्पताल ले जाया गया है। रेखा पिल्लई के परिवार में पति शशिधर पिल्लई और एक बेटा है। बेटा सिंगापुर में सर्विस करता है। इस संबंध में रेखा पिल्लई के ड्राइवर अरुण धदिच ने बताया। डीपीएस में मैडम प्रिंसिपल के पद पे है और वो सुबह मॉर्निंग आज सोमवार को गाड़ी चला के आ रहे थे तो उनका धतरावदा के पास में एक्सीडेंट हो गया। सैटरडे संडे में ही चलाते गाड़ी और बाकी दिन में चलाते हैं गाड़ी। डायरेक्ट 5 साल हो गए इंदौर रहते हैं मैडम देवास नाका डेली अपडाउन डेली अपडाउन। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ भैया? ये धतरावदा में हुआ। पंचकेश्वर में घटना सुबह करीबन 8:30 बजे की है। कहाँ कहाँ ले गए थे इनको? फिर यहाँ पर अस्पताल। अच्छा, क्या नाम है मैडम का? रेखा पिल्ले। क्या उम्र होगी? करीबन 60 के समथिंग। परिवार इनका कहाँ पर है? इंदौर है। इंदौर आ रहे सर अभी। अच्छा, परिवार में कोई बच्चे और? हाँ, एक बच्चा है। कहाँ पर है वो? वो सिंगापुर में। करौंदिया का निवासी ड्राइवर अरुण रोजाना उन्हें लाने ले जाने का काम करता है। हर शाम अरुण अपने घर रुक जाता है और रेखा पिल्लई कार से घर चली जाती थी और अगले दिन कार से ही स्कूल लौटती थी। वह करीब 5 साल से स्कूल में प्रिंसिपल थी। उनके परिवार को सूचना दे दी गई है। नाग जिले पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते ठंड फिर लौट आई है। बर्फीली हवाओं का असर यह रहा कि रविवार को शहर में दिन का तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री तक गिर गया जिससे जबरदस्त ठिठुरन रही। वहीं रात के तापमान ने भी गोता लगाया और पारा 6 डिग्री पर पहुंच गया जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। दरअसल इस बार देरी से आई सर्दी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही है जिससे चुभन भरी ठंड का एहसास हो रहा है। सोमवार को इस सीजन की सबसे सर्द रात रही और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर सुबह आसमान साफ रहा और धूप भी खिली लेकिन सर्द हवाओं ने शहरवासियों को कपकपा दिया। दिन भर लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिसकी वजह से तेज बर्फबारी हो रही है। अभी 2-3 दिन तक इसी तरह तापमान में गिरावट रहेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं 2-3 दिन से काफी ठंडक महसूस हो रही है। कारण यह है कि उत्तर भारत में तेज बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों में तेज बर्फबारी हो रही है जिससे हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही हैं जिसके कारण हमको तेज चुभन और ठंडक महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान कम होकर 8.8 डिग्री हो गया है। राहत की बात यह है कि चूँकि बादल नहीं है दिन में धूप खिली हुई है इस कारण हमको दिन में धूप में अच्छा लगता है और थोड़ा सा जो धूप खिली होने के कारण तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पा रहे। राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 दिन इसी प्रकार का मौसम रहने की भविष्यवाणी की गई है। मैच खेलने जा रहे खिलाड़ी का हाथ उसके ही रिश्तेदार ने डंडा मार कर तोड़ दिया। रामप्रसाद मार्ग जामा मस्जिद के पास के निवासी मोहम्मद अमीन पिता इसरार उम्र 32 साल आष्टा मैच खेलने जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त अनवर हुसैन भी था। दोनों बेगमबाग चौराहे पर रतलाम कैफे के सामने अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान चाय पी रहे इसरार कुरेशी पिता अब्दुल अहमद ने आकर मोहम्मद अमीन को लठ से पीट दिया। इस संबंध में मोहम्मद अमीन ने बताया, मैं मैच खेलने जा रहा था, अपने साथियों का इंतजार कर रहा था तो सामने से वो इरशाद करके लड़का है भैयू पेंटर का लड़का, वो लट लेके आया और मेरे पर हमला कर दिया।
जानलेवा हमला सर में भी, ऐसा कोई विवाद नहीं था। हमारी बहन का देवर है, वो हमारी बहन को बहुत परेशान करता है, हम उसको बोलते करते हैं तो वो हमारे को झूठी सच्ची रिपोर्ट लिखाता और परेशान बहुत करता हमारी बहन को, घर से जान से मारने की धमकी देता। और ये तो हम हमारी बहन का सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते कि भाई ऐसा मत कर, तो इसलिए उसने हमारे पे जानलेवा हमला करा। बताया जा रहा है कि इसरार उसकी बहन का देवर है और वह अमीन की बहन को परेशान करता है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। प्रतिबंध के बाद भी चाइनीज मावजे से मकर संक्रांति पर खूब पतंगबाजी हुई। भले ही पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया, घरों की छतों पर पहुंचकर मांजा चेक किया, बावजूद इसके इस जानलेवा डोर का इस्तेमाल होता रहा। इसी की चपेट में आने से चिंतामण गणेश मंदिर के पुजारी की उंगलियां कट गई। दरअसल रविवार को चिंतामण गणेश मंदिर के पुजारी ईश्वर गुरु मंदिर से इनर रिंग रोड मार्ग होते हुए अपने दो पहिया वाहन से शहर की ओर आ रहे थे। अचानक चाइनीज मांजा उनके गले में लिपट गया। उन्होंने समय रहते गाड़ी रोकी और मांजे को हटाने लगे, जिसमें उनकी उंगलियां कट गई और करीब 5 टाके लगाने पड़े। उनके गले में भी खरोच आई है। आपको बताते चले कि चाइनीज मांजे की चपेट में आने से पिछले साल 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। इस बार भी 6 वर्षीय बच्ची, नगर सैनिक, भाजपा के कार्यालय मंत्री सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम UPSC, MPPSC, NDA, CDS, SSC बैंकिंग एवं व्यापम, आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री मेंस इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, AC क्लासरूम उत्तम फर्नीचर के साथ, 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, SSB इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी SSC पटवारी बैंकिंग विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। एक 108 अखंड रामायण पाठ के शुभारंभ के लिए सोमवार दोपहर चामुंडा माता चौराहा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से आज्ञा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होकर श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएगी, जहां कार्यक्रम की सफलता के लिए बाबा से आशीर्वाद लिया जाएगा। यात्रा की शुरुआत पशुपतिनाथ मंदिर से हुई, जिसमें शामिल DJ पर बज रहे धार्मिक गीतों और ढोल की थाप पर श्रद्धालु भक्ति से झूम रहे थे। नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत और अनिल जैन कालूहेड़ा भगवा ध्वज थामे चल रहे थे। जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसमें साधु संतों सहित बटुक, बच्चे एवं महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। इससे पहले रविवार को मां शिप्रा का पूजन अर्चन कर चुनरी उड़ाई गई थी। एक 108 अखंड रामायण पाठ का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए बाबा महाकाल से आज्ञा लेने आज हम पूरा हमारी समिति, हमारे शहर के वासी, हमारी आयोजन समिति जा रही है और बाबा महाकाल से आज्ञा लेकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद की आवश्यकता है और बिना महाकाल के, महाकालेश्वर महाराज के आशीर्वाद के ये कारण पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज हमें बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा, शिप्रा मैया का आशीर्वाद कल हमने चुनरी चढ़ाकर उनको अर्पण करके लिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की आम जनता से और शहरवासियों से हमारी अपील है। उन्हेल और नवादा के बीच मवेशियों के विवाद में मोटरसाइकिल से जा रहे दो युवकों पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला बोल दिया। पीट रहे युवकों को बचाने जब एक और युवक आया तो उसे भी पीटा गया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा का रहने वाला शुभम दीक्षित अपने दोस्त संतोष बैरागी के साथ मोटरसाइकिल से उन्हेल तरफ आ रहा था। इस दौरान उसे सिद्धू बंजारा के घर के सामने कैलाश, दिलीप, सिद्धू, रिंकू ने रोक लिया और टॉमी डंडे से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से दोनों जमीन पर गिर पड़े। इन्हें पीटता देख पीछे से मोटरसाइकिल से आ रहे विशाल, सुरेश और कुलदीप ने बीच बचाव की कोशिश की तो इन पर भी हमला बोल दिया गया।
घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां से संतोष, कुलदीप और विशाल की छुट्टी कर दी गई है। घायल शुभम दीक्षित ने बताया, घटना यह हुई थी कि हम पुराने उनसे मतलब ऐसे गाय भैंस का धंधा करते हैं वो, तो उसकी कोई उनकी रंजिश थी तो उस वजह से उनने गाड़ी रोक करके हम पे हमला किया। उसमें पांच लोगों को चोट आई थी, तीन जिला अस्पताल में भर्ती थे, दो को यहाँ से डिस्चार्ज मिल गया और एक अभी भी 3 बजे के नवादा में उनके घर के सामने ही, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, 50-60 महिलाएं आ गई थी, उनने पथराव किया जिसमें मेरा मोबाइल भी फूट गया, हमारी मोटरसाइकिल भी उनने फोड़ दी और 8-10-15 लोग भी थे उनके साथ में, बच्चे सब पूरे मतलब पूरी समाज के लोग आ करके हमला किया। नाम वो बंटी, सिद्धू और रिंकू, दिलीप ऐसे कुछ नाम है उनके, और आधो के नाम भी पता नहीं है मेरे को। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। मंझावन चौराहे पर एक युवक पर तलवार से हमला बोल दिया गया, आरोपी अब तक फरार है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के मंझावन चौराहे पर जितेंद्र पिता बद्री माली निवासी शांति नगर पर 8 से अधिक आरोपियों ने धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जितेंद्र को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है। भाई चेतन माली ने बताया कि सत्यनारायण पिता पूनम चंद, आकाश, विकास, पवन पिता सत्यनारायण, गौतम भाट पिता सुरेंद्र, सुनील माली, अभिषेक पिता नेमी चंद, दीपक कहार, सूरज माली ने चौराहे पर जितेंद्र को घेर लिया और तलवार, चाकू व धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया है। आरोपी इससे पहले चेतन माली पर भी हमला कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है और वह लगातार माली परिवार को अपना निशाना बना रहे। आज हम शांति नगर चौराहे, जो घर के समीप की हमारी चौराहे है, वहाँ पे हमारे बड़े वाले भाई साहब खड़े हुए थे बाइक से, 10 से 12 व्यक्ति जिनसे हमारा पूर्व में विवाद है, जयसिंहपुरा निवासी गौतम भाट सत्यनारायण, पवन पिता सत्यनारायण, राहुल, ऐसे करके कम से कम 8 जने आए वहाँ पे, धारदार उतरे गाड़ी से और सभी के हाथ में तलवार थी और चाकू थे, उन्होंने चाकू से भैया पे पीछे यहाँ पे और सर में चाकू से वार करे। हमारा पूर्व में विवाद था उनसे, विवाद चला आ रहा था और इसी कड़ी में आज उनने मतलब सर में गंभीर चोट होने से भी इंदौर एम्बाई में उनको रेफर कर रहे डॉक्टर साहब के द्वारा, और पूर्व में विवाद था, पूर्व में मेरे ऊपर भी जानलेवा उन्होंने हमला करा था। घटना के संबंध में नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल का कहना है, कल शाम को लगभग 6:30 बजे शांति नगर राधा कृष्ण की गली में जितेन माली नाम के युवक पे 6-7 लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया है। इस संबंध में हम यहाँ इसके घायल के बयान लेके हम यहाँ पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जो आरोपी पक्ष हैं और जो फरियादी पक्ष हैं इनके बीच में पुरानी रंजिश है और पूर्व में भी आपस में इन लोगों के बीच में अपराध दर्ज हुए हैं, गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं, उनके भी रिकॉर्ड निकलवा के और अगर उनके ऐसे होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रंजिश को लेकर किए गए इस हमले के सभी आरोपी अभी फरार है, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो, ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान, संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।